पुलिस ने यातायात का उल्लंघन करने वालों पर अभियान शुरू किया है। इस संदर्भ में पुलिस ने जिला मुख्यालय पर यातायात उल्लंघन करने वाले टू व्हीलरों पर लॉक लगा दिए। गांधी चौक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास बिना नंबर स्कूटी खड़ा करके अपने काम के लिए चला गया, जिस कारण यातायात में बाधा आई। पुलिस ने स्कूटर चालक को स्कूटर खड़ा न करने का इशारा भी किया, परंतु उत्तक स्कूटर चालक ने पुलिस के इशारे को दरकिनार करके सड़क के बीच में ही स्कूटर खड़ा करके चला गया और पुलिस ने तत्काल स्कूटर का चालान कर दिया और स्कूटर को लॉक कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय पर अधिकांश टू व्हीलर विदाउट नंबर की भरमार आई है और अधिकतर स्कूटर चालक बिना हेलमेट के ही चला रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में पुलिस ने कई अभियान चलाए, परंतु इन अभियानों का टू व्हीलर चालकों पर कोई असर देखने को नहीं मिला और बिना हेलमेट और बिना नंबर से स्कूटर चलाना अपनी शान समझते हैं। जिला में कई स्थानों पर नाबालिग भी वाहन चलाते हुए आम देखे जा रहे हैं और यही कारण है कि जिला भर में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है जो यातायात को बाधित करेंगे तथा नाबालिग व बिना हेलमेट व बिना नंबर से उनके विरुद्ध पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में पुलिस ने तो अपना अभियान शुरू कर दिया है। ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो, ट्रैफिक में व्यवधान ना पड़े, तो हम जो भी इलीगल पार्किंग करते हैं, आइडल पार्किंग करते हैं और ऐसी जगह पे गाड़ियों को पार्क करते हैं जहां पे वो पार्क नहीं होनी चाहिए और उसकी वजह से वाहनों के आने जाने में दिक्कत पैदा होती है, तो ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध और ऐसे वाहनों के विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई करते हैं और जरूरत पड़े तो उनको हम व्हील क्लैंप करके उनको स्टेशनरी कर देते हैं ताकि उनको वहां से वो हटा ना सके, या कोई ऐसी गाड़ियां भी होती हैं जिनके ऊपर नंबर नहीं लिखे हैं, तो ऐसी गाड़ियों को पैरालाइज करने के लिए, ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए हम उनके व्हील में क्लैंप वगैरह लगा के उनको फिक्स कर देते हैं ताकि वो गाड़ियों को इस तरीके से हटा ना सके और जो भी उनका चालान उनके विरुद्ध किया है उसका वो भुगतान करे। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसकी प्रशंसा की जा रही है। उनका कहना है कि इससे सड़क के किनारे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब इस कार्रवाई से राहगीरों को राहत मिलेगी। बिल्कुल अच्छा हुआ, लोग ना माने तो पुलिस को कड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा, बधाई के पात्र है पुलिस।